कुछ लोग घर परिवार में फंसे हुए वो सोचते हैं कि हम इसको छोड़ करके भाग जाए तो समर्पण हो जाएगा। ये समर्पण की वस्तुएं ये नहीं है। समर्पण की वस्तुएं हैं आपका मन, आपकी जो ये सांस चल रही है ये सांसें, आपकी बुद्धि, आपका जो अहंकार है ये उस परमात्मा के समर्पण की वस्तु है। जब आप ये उनको समर्पण कर दोगे तो आपका कुछ शेष नहीं रहेगा और परमात्मा का ही सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो बाहर ढूंढने खोजने से नहीं मिलेगा। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी स्थान के ऊपर चले जाओ, कितना भी दौड़ धूप करते रहो, हाथ पैर मारते रहो, लेकिन बिना क्रिया के, बिना ध्यान के, बिना श्रुत शब्द योग के, बिना साधना के, बिना समर्पण के, बिना उसके नाम के ऊपर बैठे जागृत नहीं हो पाएगा जीव। और जब तक ये जीव जागृत नहीं होगा तो ये मत समझना कि बिना जागृति के कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान के बिना जीवन की मुक्ति नहीं हो सकती। और ज्ञान आप सब जो पुस्तकों से मिल जाएगा, वेदों से मिल जाएगा, उपनिषदों से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ज्ञान उसको बोलते हैं जो आपके अंदर है, जो खोजने से मिलेगा, जो जितना आपका अहंकार समाप्त होता चला जाएगा, जितने आपकी पकड़ इस शरीर और संसार से दूर होती चली जाएगी, उतने ही आप अपनी आत्मा के करीब हो जाओगे। जितना आत्मा के नज़दीक जाओगे उतना ही आप स्वयं की खोज में हो, उतना ही आप अपने नज़दीक हो। जितना समय आपने ध्यान में दिया, जितना समय आपने सुमरण में दिया, जितना समय आप समाधि में रहे, कुछ लोग तो ऐसे हैं बैठते हैं बस हो गई खुजली शुरू, कुछ लोग ऐसे हैं कि कहीं भी ध्यान में बैठे तब भी निंद्रा का प्रभाव हो गया, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बैठे भी शरीर भी स्वस्थ है, आलसी इतने हैं 10 मिनट आधा घंटा बैठे ये महसूस होगा नहीं, अब तो पैर सीधे करो, लेट जाओ, सो जाओ, यही श्रेष्ठ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रयास भी करते हैं, लेटते भी नहीं, बैठे भी हैं, हठ योग से मन को रोकने की कोशिश करते हैं। तो उस हठ योग से अगर मन को रोकने की कोशिश करेंगे तो वो मन नहीं रुकेगा, क्योंकि मन अलग वस्तु है, आप अलग वस्तु हैं, विचार और संकल्प ये अलग खेल है। जब अंतःकरण चतुष्टक को समझ जाओगे तो आपको इन विचारों से बाहर निकलना आ जाएगा। जब विचारों से बाहर निकल जाओगे, सांस के ऊपर पकड़ हो जाएगी, क्योंकि पीछे जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, हाथ के ऊपर या किसी पात्र के ऊपर आटा रखा, मिट्टी रखी या और कुछ रखा, वो नाक के नीचे ऐसे कर देते थे, बोलते थे सांस लेते रहो पूरा दिन। एक लड़के को खड़ा कर देते आगे, उसको किसको उड़ना नहीं चाहिए, ये हिलना नहीं चाहिए, कि सांस इतनी पकड़ में हो जाए, इतना धीरे धीरे चलने लगे और अंदर गहराई तक इतना जाए, धीरे से इतना गहराई में जाए कि नाभि से टकराए जा करके। जब ये नाभि से टकराएगा तो ये मत समझो कि आपका शरीर या रोग कष्ट या परेशानियां शेष रह जाएंगी, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी पकड़ मजबूत हो जाएगी, आपकी आयु अपने आप ही लंबी होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि योगियों का ये रहस्य है कि किस प्रकार से सांसों के ऊपर पकड़ की जाए, जितनी हमारी सांसों के ऊपर पकड़ होगी
आयु और शरीर उसी प्रकार से प्रभाव करेगा और उसी के अनुसार आपने देखा होगा हमारे जो ऋषि मुनि हैं, संत महात्मा हैं, पहाड़ों के अंदर तपस्या करते हैं। कि वो पहाड़ों के अंदर क्यों जाते हैं? पहाड़ों के अंदर हमारे वेदों में बोला गया है कि पहाड़ों में जाओ, वहाँ साधना करो। हमारे वेदों में बोला गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ श्वास की जो क्रिया है, जो गति है, जो हमें तय करनी है, वो करनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक हो जाती है। जितना आप ऊंचाई के ऊपर जाते जाओगे, लोग जो बर्फ में जाते हैं, हिमालय में जाते हैं, उनसे आप बात करना, वो बता भी देंगे आप लोगों को कि जब आप जितनी ऊंचाई के ऊपर जाओगे, सांस की पकड़ बिना किए ही अपने आप ही सांस की क्या हुआ कि सांस खींच रहा है। कहाँ खींच रहा है? कोई खींच थोड़ा ना रहा है, किसी ने पकड़ थोड़ा ना रखा है, कोई रोक नहीं रहा। ये नेचर के साथ उस सांस को जोड़ देते हैं और उस नेचर के साथ सांस जुड़ने के कारण से सांस की जो गति है वो प्रकृति अपने अनुसार ही उसका प्राणायाम शुरू कर देती है। और वो प्रकृति प्राणायाम शुरू करती है तो वो एक समय आने के बाद अगर वो सांस को साध लेता है तो इसका प्रभाव उसके जीवन, शरीर, इंद्रियां, मन, विचार और जो मोह समझो आप, और जितना भी सांसारिक पदार्थ है उन हर वस्तु के ऊपर वो प्रभावित करने लगती है। उसके अंदर इतना तेज पैदा होता है, अगर वो कहीं सांस ले रहा है, किसी वातावरण में रह रहा है, कहीं बैठा हुआ है या कहीं चल रहा है, उसी प्रकार से वो वातावरण एकदम बदलने लगता है, प्रभाव होने लगता है और प्रभाव दिखने लगता है। ये संतों का प्रभाव है, ये श्वासों का प्रभाव है, ये तेज का प्रभाव है। जब आप ये करने लगेंगे तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा मेरा मन लगाना है नहीं लगाना, हटाना है नहीं हटाना। देखो आवाज़ प्रत्येक, अगर ये आवाज़ आप कहीं भी सुनाओगे सुनाई पड़ेगी, पशुओं को, पक्षियों को आप बोलोगे सुनाई पड़ेगी, लेकिन उनके अंदर समझने की इतनी अक्षमता नहीं होती। उनकी जो बुद्धि होती है सीमित होती है। कुछ पशु पक्षी इतने विकसित तक हो जाते हैं आपके इशारे के ऊपर काम करने लगे, आपकी आवाज़ के ऊपर काम करने लगे, सही और गलत को भी पहचान लेते हैं कि वहाँ जाने के जाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी, वहाँ दूर रहेंगे तो जीवन बचा रहेगा, शरीर बचा रहेगा। हित अनहित पशु पक्षी उजाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निदाना, तो अच्छा और बुरा तो पशु पक्षी भी जानते हैं, लेकिन जो मनुष्य का शरीर है वो गुण और ज्ञान के लिए है। अगर हमारे अंदर ज्ञान ही पैदा नहीं हुआ तो आप जैसे वहाँ से आए थे, जो कुछ आप ले करके आए थे वो भी आपका खजाना खाली हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने मानव जन्म के लिए जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए उनके कारण से हमें मानव का शरीर मिल गया। लेकिन अगर हमने इस जन्म में उस परमात्मा को पा लिया, क्योंकि आप लोगों के पास मौका भी है, समय भी है, परिस्थिति भी है, रास्ता दिखाने वाले भी हैं, चलाने वाले भी हैं, पहुंचाने वाले भी हैं, और उसके दरबार में ले करके हाथ पकड़ के ले जाने वाले भी हैं, तो ऐसी परिस्थिति, ऐसा वातावरण, ऐसी सब चीज़ें एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाएंगी। अगर ये सब चीज़ें एक साथ इकट्ठा हो गई तो हम मनुष्य क्या पता बने ना बने, किस योनि के अंदर हो, कहाँ हमारा जीवन हो, कैसा हमारा व्यवहार हो,
कैसे हमारे कर्म हो, साधना कर पाए ना कर पाए। अगर आप बोलो कोई बुजुर्ग हो 80-90 वर्ष का, या कोई रोगी शरीर हो, या जिसको साधना की जानकारी नहीं, कोमा में हो, आप सोचो परमात्मा ने कितनी बड़ी कृपा की है, स्वस्थ शरीर दे दिए, समझने की अक्षमता दे दी।